देखो, एक दोस्त के दुकान पे आया था। भाई ने दुकान पे क्या लिख के रखा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री जब तक बनने तक उधारी बंद है। आज ना बारिश पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और ये देख लेना, बिल्कुल नहीं बारिश आई अभी। बिना बारिश के पहाड़ देखना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज थोड़ा अलग दिख रहा हो ना, क्योंकि थोड़ा फर्क पड़ गया। बस थोड़ी सी खांसी बची है, बाकी फीवर वगैरह नहीं आया रात को। वैसे मेडिसिन भी खा लिए थे, तो अभी ना ये करते जाके नाश्ता करते और फिर मेडिसिन खाते, जो कि फॉर्मेलिटी बन गई अभी। और फिर आपको कुछ नहीं दिखाते, क्या दिखाएंगे। तो चलो अभी नाश्ता करते और गोली खाते। तो मैं अभी अब नाश्ता दिखाता हूँ क्या है नाश्ता। आज मेरे पास नाश्ते के लिए है मेरा फेवरेट चाय, बादाम और पोहे, कांदा पोहे, महाराष्ट्र की फेवरेट ब्रेकफास्ट डिश। भाई इससे ना ये और एक काढ़ा बना दिया है मैंने, मतलब डोस ले लिया। ये कल मैंने वीडियो में बताया था ना कि क्या क्या चीज़ डाल के इसको बनाया है, फिर से एक बार बताता हूँ। हल्दी डाल दिए इसमें, तुलसी के पत्ते डाले और अपनी जो मिरी होती है ना वो डाल दिए, और दालचीनी ये गर्म पानी में उबाला है, और उसके बाद इसको काढ़ा बना दिया है। आयुर्वेदिक काढ़ा इतना इफेक्टिव है ना, काफ़ी आराम मिलता है ये मेडिसिन से भी अच्छा। तो चलो मेरा ये दूसरा डोज है आज का। मुझे तो कम से कम 50% तो इसी से ही फ़र्क पड़ा है, आयुर्वेदिक काढ़े से। भाई 4 दिन के बाद आज नीचे जाने का मौका मिल रहा है, कुछ सामान लाने के लिए जा रहे हैं। 4 दिन हो गए घर से बाहर नहीं गया, और जैसे मैंने गाड़ी सर्विसिंग करके लगा दी है ना, 4 दिन के बाद आज पहली बार जाके देखते हैं। चलो, पहली बार आज घर के बाहर आए हो, बिल्कुल गैलरी में भी पहली बार आए हो। चलो आ जाओ लिफ्ट में, जाओ बटन अच्छे साथ में, और काफी अच्छा लग रहा है बाहर आके, बहुत अच्छा लग रहा है यार। अपनी गाड़ी इधर लगा दी एकदम फ्रंट में, और एक अच्छी बात है कि अपने पीछे कोई गाड़ी नहीं है। तो भी जाते गेट खोलते फिर गाड़ी निकालते। तो भाई 4 दिन के बाद आया हो, गाड़ी की कंडीशन देखना, आपके टायर में थोड़ी हवा कम लग रही है, एकदम दबा के लगा दिया था, ये वाले में भी है थोड़ी सी, ठीक है। तो भाई 4 दिन के बाद फाइनली गाड़ी में बैठ गए, काफी अच्छा लग रहा है। ये क्यों चल रही लाइट, शायद कोई डोर खुला रहेगा, कौन सा वाला है। चलो देखते क्या हो गया है। बीच वाली लाइट ना जल रही थी, तो मुझे लगा कि ये पूरी दिन मतलब 4 दिन से लाइट जल रही, 2 मिनट के लिए ना मैं हैंग हो गया। मैं बोला इतने दिन से अगर लाइट जल रही ना तो भाई बैटरी 100% डेड हो जाएगी, लेकिन अभी पता नहीं मुझे कितना टाइम से लाइट जल रही थी, बट बैटरी शुरू हुई, एक स्टार्ट में गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो चलो जाते कुछ सामान लाते बाजार से, क्या क्या लाते मैं दिखा देता हूँ आपको, आ जाओ। भाई सर्विसिंग करने के बाद पहली बार गाड़ी में बैठा हूँ, सही है। एसी इतनी अच्छी हवा दे रही है ना, सीरियसली यार, मतलब सर्विसिंग के पहले ना बहुत कम एसी हवा देती थी, अभी इतनी कूल और इतनी ठंडी हवा दे रही है और इतने स्पीड में दे रही है। मैं दिखा देता, सेकेंड नंबर पे एसी चल रही, लेकिन इतना इतनी जो अभी कल से काम पे जाएंगे भाई, नीचे आने के बाद पता चलता है यार बाहर ही सब कुछ है, घर के अंदर यार अच्छा नहीं लगता इतना दिन से। मैं तो घूमने वाला बंदा हूँ, जितना मुझे बाहर घूमने के लिए मिलेगा ना उतना अच्छा है, फिर वो घर में किसी कैदी की तरह बिठाना अच्छा नहीं लगता, खुद बैठ जाना। तो कल से फिर पक्का काम पे जाएंगे डेफिनेटली। चलो पहली बार 4 दिन के बाद गाड़ी आज हाथ में ले लिया, क्या हो गया भाई,
कोई बात नहीं, तो जब रिवर्स ले रहा हूँ ना, आपको लगता ये एक अच्छी बात है कि भाई पीछे किसी की गाड़ी नहीं थी, नहीं तो फिर उसको बुलाओ, गाड़ी हटाओ, बहुत कुछ चीज़ें करनी पड़ती थी। अभी गेट क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोबारा आना भी है ना वापस, ठीक है। मैंने जो गैलरी से पहाड़ दिखाए थे ना, ये मेरे बिल्कुल सामने पहाड़ है, और नीचे आने के बाद यार इतनी फ्रेश हवा आती है, इतना अच्छा सुकून मिलता है ना भाई, डेफिनेटली यार कल किसी भी हालत में ना हम लोग काम पे निकलेंगे डेफिनेटली। गाड़ी भी सर्विसिंग के बाद इतना एकदम स्मूथली चल रही का है। एप्पल का शेत हे सांगा ना कसे दे आणि हे हे वाले कोणते हे आणि हे 240 सीजन एवढं महाग आणि केळं इलायची आहेत ना 80 चालेल ना तुम्हाला व्हिडिओ मध्ये घेतलं तर यातले अर्धा डझन द्या अर्धा अर्धा किलो द्या ॲपल ते पुढची हे कुठलं फ्रूट आहे लिंबू रे हे खरबूज आहे मैंने तो कभी खाया नाही काफी हेवी लग रहा है इसमें भर दी क्या हवा उसमें भर दी इसमें कितना भर रहे 35 34 तो भाई यहाँ पे ना हवा भी थोड़ी कम थी और अभी 2-3 दिन से बंद थी ना अपनी एक जगह पे खड़ी थी तो थोड़ी हवा कम हो गई थी एक लेफ्ट साइड के टायर में पीछे वाली तो वो भी भर दी क्योंकि अभी भी जाके खड़ी रहेगी कल निकलेंगी तो कल अगर पूरी खत्म हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी तो अभी तो भर वाली है अभी कुछ डेयरी का सामान लेना है चलो ये मैं विदाउट गिम्बल यूज कर रहा हूँ ना ही स्टेडी मोड ऑन किया है फिर भी इसकी ना स्टेबिलिटी देख लेना आप और मैंने हाथ में पकड़ के रखा है एक्चुअली मुझे वो स्टैंड लेना है मोबाइल होल्डर दिखा भाई मैं फिर से एक जगह पे आया हूँ वही पहाड़ दिखाने के लिए आया हूँ लेकिन यहाँ से ना परफेक्ट एंगल मिलता है पहाड़ का तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखो ये नॉर्मल अपना 1x जूम पे दिख रहा है एक्चुअली विंडो से विंडो डाउन करता हूँ अब देखना नीचे आके ना एक अलग से सुकून मिलता है भाई लेकिन क्या है ना देखो 4 दिन हो गए मैं घर पे था तो इनकमिंग के सारे सोर्सेस बंद थे तो भाई जब बीमार होते हैं ना तो अगर बैकिंग पैसे का कोई बैकअप नहीं है ना तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं मेरे साथ भी अभी वही हुआ है अभी उधार की ज़िंदगी शुरू है भाई क्योंकि डॉक्टर के पास भी काफ़ी सारा पैसा चला गया उसके बाद भी इधर उधर की घर की तो सारी चीज़ें होती है तो उनमें भी सारे पैसे चले गए तभी भाई उधार की ज़िंदगी है तो इसलिए कल
काम पे जाना जरूरी हो, चाहे ठीक हो या ना हो। तो ना ये कुछ ले लिए, एप्पल लिए, केला लिए, बस बाकी कुछ नहीं। दूध लेना है कुछ, हाँ दूध ही लेना है, बाकी हो गया फिर घर जाते हैं। 10-15 मिनट हुआ नीचे आके, अच्छा हुआ टायर में हवा भी भर दिया, नहीं तो फिर कल दिक्कत हो जाती और कम हो जाती हवा। ठीक है चलो। देखो मैं एक दोस्त के दुकान पे आया था, भाई ने दुकान पे क्या लिख के रखा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री जब तक बनने तक उधारी बंद है। भाई खतरनाक है, ये 24 की तैयारी चल रही है अभी से। तो भाई फिर से अपने बिल्डिंग में आ गए हो, गाड़ी पार्क लगा दिए, तो अभी जाते हैं ऊपर। दोपहर का खाना नहीं हुआ है, टाइम हुआ है कितना, लगभग 5:30 यानी 4:30 बज गए होंगे, अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया। तो अभी ये सामान लेते हैं, बारिश आने के पहले भाग लेते हैं, एक्चुअली ऊपर से पानी आ रहा है, ले लेता हूँ गाड़ी, नहीं तो पूरा ना गंदा हो जाता है। घर का सामान थोड़ा ख़त्म हुआ था ना, उसको ले लिया है। सुबह ही फाइनली घर पे मैं आ गया हूँ, और अभी दोपहर का खाना खाते हैं। टाइम तो आपने दिखाया है कितना, मतलब आपने देखा रहेगा टाइम कितना हुआ है, पूरा पसीना पसीना हो गया। चलो सो अभी ना भाई अपना खाना हो गया है, खाने में वैसे दाल चावल था, वरण भात मराठी में बोल सकते हैं, तो अच्छा लगा खा के। आज थोड़ी तबीयत ठीक है, मतलब फीवर नहीं आया, और खांसी भी थोड़ी सी मतलब 50% कम हो गई है। अगर आज रात को फीवर भी ना आए और थोड़ी सी खांसी और कम हो जाएगी ना, तो कल डेफिनेटली काम पे जाएंगे। दूसरी एक मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे नाम से एक शहर है ईरान में, अमोल नाम से, मुझे ना भरोसा नहीं हुआ था मेरे नाम से शहर है, लेकिन अगर आपको भी भरोसा नहीं तो आप भी जाके गूगल पे जाके देख लो, अमोल नाम डाल देना, आगे ईरान लिख देना, पूरा का पूरा एक शहर है मेरे नाम से। ठीक है, इसी बात पे आज खुश होके खुशी से सोते और कल सुबह अच्छे से उठते और आप लोगों का अच्छे से स्वागत करेंगे। तो आज ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं आज इसी खुशी के साथ। और एक ना एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, अपने एक सब्सक्राइबर भाई ने ना एक कमेंट किया है, दर्शन पेटकर नाम है, सॉरी अगर मैं नाम गलत से यूज़ कर रहा था, तो उनका एक कमेंट आया है, मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा स्क्रीन पे कहीं, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे। ठीक है, तो उनका ये बोलना है कि S21 FE 5G स्नैपड्रैगन 888 वर्जन का परफॉर्मेंस कैसा है। तो दर्शन भाई मैं जब 10 ब्लॉक ख़त्म हो जाएंगे आपके अपने ये सैमसंग S21 FE के साथ, तो 11वां वीडियो अपना, 11वां मतलब ब्लॉक तो आएगा ही, लेकिन 10 वीडियो के बाद एक्स्ट्रा एक रिव्यू वीडियो आएगा, 10 दिन का रिव्यू वीडियो आएगा प्रॉपर, क्योंकि मैं पहले चेक कर लूँ कि क्या क्या दिक्कत है क्या क्या नहीं है, उसके बाद मैं पूरा 100% ट्रस्टी के साथ मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलो आज यही ख़त्म करते हैं, गुड नाइट, बाय।